अल्पाइन फाउंडेशन और अपना गोरखपुर के तत्वावधान में मंगलवार को नगर निगम सदन हॉल में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी सहित नगर निगम के कर्मचारियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में सभी तरह के जाँच की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति को जिस तरह की समस्या है वह अपना जाँच करा रहा है। उन्होंने बताया कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण में दांत, हड्डी, ब्लड जांच, आंखों की जांच सहित अन्य बीमारियों का जांच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों की जांच की जा रही है उन व्यक्तियों को निःशुल्क दवा भी उपलब्ध किया जा रहा है। उन्होंने फाउंडेशन के द्वारा जांच शिविर लगाने पर फाउंडेशन को आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसा कार्य आगे भी करते रहें, जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर डॉक्टर ए के सिंह, MD मेडिसिन, डॉक्टर वी कश्यप नेत्र रोग, डॉक्टर अंशुमाली दंत रोग, अल्पाइन फाउंडेशन के सचिव अमृता राव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी तथा महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, गोरखपुर परिसर में आज दिनांक 2 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर अल्पाइन फाउंडेशन के सौजन्य से, नगर निगम के सहयोग से आयोजित किया गया है, माननीय नगर आयुक्त महोदय के पर्यवेक्षण में। इस कार्यक्रम का टाइटल है हेल्थ चेक अवेयरनेस थ्रू मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप। तो इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के डॉक्टरों द्वारा, जैसे MD मेडिसिन, MS गायनेकोलॉजिस्ट, MS ऑर्थो, आई के डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इनके सहयोग से आप नगर निगम के समस्त कर्मचारी अधिकारी अपनी जांच करा रहे हैं। जिसको जो भी समस्या लगती है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या कर सकता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से खून की जाँच कराई है, ट्राइग्लिसराइड की जाँच कराई है और ब्लड प्रेशर की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो उसकी भी जाँच कराई है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए काफ़ी अच्छा वातावरण है। और जहाँ तक रही दवाइयों की बात, जिन क्षेत्रों, जिन डॉक्टर्स को लग रहा है कि इसमें दवा की आवश्यकता है, वो डॉक्टर दवाओं को रिकमेंड कर रहे हैं और आप उसको काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अल्पाइन फाउंडेशन का और आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जी अभी तो आज के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया है, भविष्य में इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए नगर
विधायक महोदय के निर्देश के अनुक्रम में आगे व्यवस्था भी की जा सकती है। देखिए, अल्पाइन फाउंडेशन के द्वारा स्वास्थ्य का आयोजन किया गया है, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संस्था के सभी पदकारियों अमृता राव सचिव, अमरनाथ जायसवाल समाज सेवी, नितिन कुमार जायसवाल अध्यक्ष अपना गोरखपुर, सुनीता पटेल के साथ साथ डॉक्टर ए के सिंह मेडिसिन, डॉक्टर जोगिता भाटिया प्रसूति एवं स्त्री रोग, डॉक्टर रहमत अली हड्डी एवं स्पाइन रोग, डॉक्टर अमित मित्तल नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर बेबी कश्यप नेत्र रोग, डॉक्टर अंशु माली दंत रोग, डॉक्टर पलमिला दंत रोग, डॉक्टर एम एल यादव फिजियोथेरेपी, डॉक्टर विनोद कुमार न्यूट्रिशियन, डॉक्टर कृति पैथोलॉजी के नेतृत्व में गोरखपुर की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम सदन हाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये गोरखपुर के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम जनता आम जनता की सुविधाओं के लिए इस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार को आप लोगों ने देखा होगा कि उसने जो आज बजट घोषित किया है उसमें स्वास्थ्य सेवा के रूप में भारी भरकम रकम घोषित की गई है। आज भारत ने अपनी श्रेष्ठता विश्व में उजागर की है। जहां पूरी दुनिया कोरोना से चीख रही थी, भारत युद्ध स्तर पर कोरोना को हराने की लड़ाई लड़ रहा था। और आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस क्षेत्र में कोरोना के क्षेत्र में पराजित करने में अग्रगणी रहा है। आज भारत ही नहीं, विश्व बंधुत्व की भावना से पूरे दुनिया को निरोग करने के लिए टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। यह हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्ति सुखिनः की। आज उसी के तहत यहाँ के जनता को सुविधाओं के देने के लिए फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस आयोजन में हमारे जितने भी भाग डॉक्टर्स सहभाग बने हैं, मैं नगर निगम की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमें विश्वास है कि फाउंडेशन आगे भी इस तरह के सामाजिक काम करता रहेगा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।